मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल UMB न्यूज। इस अपडेट में आपको बताने वाले हैं आज पूरे देश के मौसम का हाल। सबसे पहले जान लेते हैं यूपी में कैसा रहने वाला है मौसम। आपको बता दें यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से पूर्वांचल में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक गोरखपुर, महाराजगंज, सहारनपुर, पीलीभीत और मुरादाबाद, वाराणसी जिले में भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं प्रदेश में 30 अगस्त तक मानसून आंशिक रूप से सक्रिय रहेगा। आपको बता दें लखनऊ समेत कई जिलों में बादलों की लुकाछुपी का सिलसिला अभी भी बना हुआ है। इसकी वजह से इन इलाकों में काफी कम बारिश हुई है। बादल और धूप की लुकाछुपी की वजह से उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत, बरेली, हाथरस, आगरा, मैनपुरी, लखनऊ, कानपुर, औरैया, झांसी, प्रयागराज, फतेहपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, मऊ, बलिया और बनारस में आज बारिश की संभावना है। बन रहा कम दबाव का क्षेत्र। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण प्रायद्वीप में 30 अगस्त तक वर्षा में तेजी आएगी। इसके बाद इसके कम होने की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों तक पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी से लगते उत्तर पश्चिम भारत में कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। जारी अलर्ट में कहा गया है कि उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर अगले 5 दिनों तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश 28 अगस्त से 31 अगस्त के बीच होगी। उत्तर पूर्व भारत में अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम दर्जे से लेकर भारी बारिश होगी और फिर उसके बाद बारिश में गिरावट आएगी। देश के इन राज्यों में भी भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक 29 अगस्त को तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के घाट वाले इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। अगले 2 दिनों तक रायलसीमा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश के साथ व्यापक बारिश होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में कहीं छिटपुट तो कहीं इलाकों में भारी बारिश के साथ व्यापक वर्षा गतिविधि देखी जा सकती है। यही नहीं, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के इन इलाकों में होगी बारिश। मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया है कि 30 अगस्त से 1 सितंबर के दौरान मध्य प्रदेश, 29 से 31 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान, 30 अगस्त को विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। यही नहीं, 29 और 30 अगस्त को तेलंगाना, जबकि 30 अगस्त को उत्तर मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भारी बारिश देखी जा सकती है। यही नहीं, 31 अगस्त को ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में छिटपुट से भारी बारिश के साथ व्यापक रूप से बारिश की गतिविधि देखी जा सकती है। उत्तराखंड के कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक मौसम विभाग ने उत्तराखंड के नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बीते कुछ दिनों में उत्तराखंड में भारी बारिश से काफी तबाही हुई है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते कुल 166 सड़कें अवरुद्ध हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 5 दिनों तक उत्तराखंड में छिटपुट बारिश के साथ व्यापक रूप से भारी बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य और पश्चिम भारत में बारिश में कमी के बाद 29 अगस्त से फिर से इसकी गतिविधियां तेज होने के आसार है। यह जानकारी शनिवार को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दी। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड को अगले 5 दिनों तक भारी बारिश से निजात नहीं मिल सकती। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कुछ जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। यह जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।